शहनामे का आगाज़ करते चलें और यहाँ पर आपको सबसे पहले बताएं कि एक तो गर्मी, ऊपर से लोड शेडिंग का अजाब और कमर तोड़ महंगाई, बढ़ती हुई लोड शेडिंग और बिजली के भारी भरकम बिलों से तंग आकर हैदराबाद के शहरियों ने सोलर पैनल लगाना शुरू कर दिए हैं। जबकि गर्मी में एसी तो दस्तरस में नहीं है, अब शहरी एयर कूलर से ही काम चला रहे हैं। हैदराबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे शाहजेब शेर। हैदराबाद में कई रोज से सूरज आग बरसा रहा है और रही सही कसर हब्स ने पूरी कर दी। हैदराबाद के शहरी गर्मी से बिलबिला उठे, ऐसे में लोड शेडिंग का अजाब वबाले जान बन गया है। शहरी अब बिजली छोड़कर सोलर पैनल इस्तेमाल करने पर मजबूर हो गए हैं। वापडा वालों ने इतना नाक में दम किया हुआ है, एक तो लाइट होती नहीं है, बिल डबल का डबल आते हैं, ट्रिपल आते हैं, और नई कहानी तो उन्होंने ये चला दी है वापडा वालों ने कि फ्यूल एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट, वो एडजस्टमेंट, सारी एडजस्टमेंट तो वो हमसे ही ले रहे हैं। घर में बच्चे बिल्ला करे होंगे, गर्मी से लाइट नहीं है, अब बंदा ही क्या करेगा, वापडा से खत्म होकर सोलर पर ही आएगा। सोलर पैनल इसलिए ज्यादा बिकने लगा, लोगों के पास लाइट नहीं है। अभी जैसे गरीब आदमी अपना दो तीन पंखे चला सकता है बेचारा, अब उनका ये गुजारा हो जाएगा क्योंकि वापडा ने तो बेड़ा गर्क करा हुआ। इस चिलचिलाती गर्मी में लोग एसी लगाने का भी नहीं सोच सकते क्योंकि बढ़ते हुए बिजली के बिलों ने शहरियों को इस सहूलत से भी महरूम कर दिया है। अब शहरी बड़ी तादाद में एयर कूलर खरीद रहे हैं। एसी खरीदने की हैसियत नहीं है, एयर कूलर लेने आए हुए हैं। एयर कूलर भी आजकल 25,000-30,000 रुपए के एयर कूलर हैं। ऊपर से गर्मी, वापडा ने तो माशाल्लाह, वापडा तो इतनी अच्छी है हमारे मुल्क की कि इसकी तारीफ करते करते मैं मर जाऊंगा एक दिन। 8 से 10 घंटे हमें लाइट मिल रही है, जिसमें से बिल जो है ना, पहले आते थे 2000, अब तो उन्होंने इतने अच्छे कर दिए 20,000 आ रहे हैं 2000 की जगह। हैदराबाद के शहरियों का कहना है कि सोलर पैनल और एयर कूलर तो आरजी चीजें हैं, सस्ती बिजली मुकम्मल तौर पर मिलती रहे तो इन आरजी चीजों पर गुजारा ना करना पड़े। कैमरामैन आसिफ बंदानी के साथ शाहजेब शेख, न्यूज़। जुड़ावाला में खावन ने बेटियों की पैदाइश पर हमला बीवी को कत्ल कर दिया। मुलजमान को पुलिस ने गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। बच्चियों की पैदाइश पर बेबस मासूम हवा की बेटी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। कातिल खावन नदीम और बहनोई पुल को खुड़ियावाला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नदीम सजाद की बीवी 28 साल ऐमन फातिमा दो कमसिन बेटियों की मां थी। मकतूला के वर्सा ने बताया कि अल्ट्रासाउंड में बच्ची की निशानदेही होने पर खावन नदीम ने अपने साथियों से मिलकर डंडों, सोटों और घूसों से शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जिससे मौत वाकई हो गई। पुलिस ने मकतूला के भाई मुदस्सिर की मुदय्यत में मुकदमा दर्ज कर लिया। रोज़मर्रा में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों की कीमतों में होशरुबा हद तक इजाफा हो गया है। तमाम सब्जियां अब आम आदमी की दस्तरस से दूर हो गई हैं। शहरी सब्जियों की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं खानेवाल से हमारे नुमाइंदे साजिद गफ्फार चौधरी। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सब्जी मंडी खानेवाल में। सब्जियों के रेट जो आसमानों से बातें कर रहे हैं, जो सब्जी है, टिंडा है, भिंडी है, खीरा है, करेला है, सब्जियों के रेट्स बहुत आसमानों से बातें कर रहे हैं। शहरी बहुत परेशान है सब्जियों के रेट्स की वजह से। हमारे साथ एक मौजूद है शहरी, उनसे बात करते हैं कि सब्जियों के रेट्स का आप किस क्यों परेशान है, बताइए कि सब्जियों के रेट्स। जी बिल्कुल, सब्जियों के रेट्स ज़्यादा इस वजह से है कि कुछ तो मौसमाती तब्दीलियों की वजह से जो है, कभी शदीद गर्मी, कभी बादल आ गए, इसकी वजह से जो है मुख्तलिफ किस्म के वायरस भी पड़े हैं सब्जियों को, जिसकी वजह से सब्जियों की जो है बहुत ही कम मिकदार रह गई है। और ये 2-3 दिन की बारिशों की वजह से जो लोरालाई, कोयटा और इस इलाके से जो सब्जी आ रही थी, वो बारिशों की वजह से बिल्कुल नहीं आ रही है। अब उनके जो रेट जो है वो आसमानों से बातें करने लगे हैं। टिंडा जो है वो 120 से 140 रुपए है, आप देख सकते हैं ये पीछे मेरे जो पड़े हैं सब्जियाँ, ये तकरीबन तमाम की तमाम महंगी हैं। जिसमें कद्दू जो है सर फहरिस्त है, 5 किलो का जो है वो शापर है, वो तकरीबन 1200 से 1400 के दरमियान में बिक रहा है। और शहरी जो है हमारे जैसे लोग जो सब्जी खरीदने के लिए आते हैं, वो इनकी कीमतें सुनकर वापसी चले जाते हैं। ये हमारे साथ जो शहरी मौजूद है, ये कह रहे थे कि मौसम की तब्दीली की वजह से सब्जियां कम आ रही हैं, जो कि सब्जियों का रेट जो है ज्यादा है, और कुछ बारिशों की वजह से जो कोयटा लोरालाई से जो सब्जी आ रही थी वो भी रास्ते बंद होने की वजह से नहीं आ रही, इसलिए से सब्जी का रेट ज्यादा है। जी, और यहाँ पर आपको बताएं कि तांदियावाले के नवाही गांव जला चौक में आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी, जिसकी वजह से हमजा विलायत नामी बच्चा
झुलस गया। आतिशबाजी का सामान तैयार करने वाली फैक्ट्री के नजद ओकाड़ा रोड लोधी होटल पर मौजूद लोग आग के शोलों को जलता हुआ देखकर भागे तो देखा कि आग लगने वाले कमरे का दरवाज़ा बंद हो गया था। मकामी लोग और वहां पर मौजूद मुसाफिरों ने दरवाजे को तोड़कर बच्चे को बाहर निकाला और रेस्क्यू 112 पर कॉल की। रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। मकामी लोग और बच्चों के वर्षा ने बच्चे को THQ अस्पताल तांदियावाला पहुंचाया। THQ अस्पताल के डॉक्टर्स ने बच्चे को फैसलाबाद रेफर कर दिया। बच्चा जख्मों की ताब न लाते हुए जा बहक हो गया। चूनिया में मुर्दार भैंस का गोश्त फरोख्त के लिए लाने वाले दो कसाब रंगे हाथों पकड़े गए हैं। डोली गांव में ज़मींदार ने मुर्दा भैंस को करीबी फसल में फेंक दिया। दोनों कसाब मुर्दा भैंस को रिक्शे में छुपा कर ला रहे थे। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक चूनिया में कसाब मुर्दा भैंसे राना टाउन हवेली में लाकर गोश्त काटकर फरोख्त करते हैं। मुर्दा भैंसे और कसाबों को मौके पर रिक्शे समेत पकड़ने के बाद पुलिस ने भारी नजराना लेकर छोड़ दिया। इमरान लाडो और यूसुफ नामी कसाब मुर्दा भैंस का गोश्त काटकर होटलों और दुकानों पर फरोख्त कर दिया। इत्तला मिलने के बावजूद भी डिस्ट्रिक्ट लाइव स्टॉक ऑफिसर मोहम्मद आसिफ गैर हाजिर रहे। शोरकोट से आपको खबर देते चलें, जहां पे महकमा इन्हार की लापरवाही और गफलत उरूज पर पहुंच गई। शोरकोट के नवाही इलाका कोटला ज़रीफ़ ख़ान की नहर के पुल के पुश्ते मुकम्मल तौर पर टूट चुके हैं और पुलों की हालत भी इंतहाई खस्ता है, जिसके बाद नहरें टूटने का ख़तरा है। मज़ीद अहवाल जानते हैं मोहम्मद अरसलान कादरी से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कोटला ज़रीफ़ ख़ान में। यहाँ पर जो है शोरकोट सिटी से और दीगर मौज़ूआत को जो मिलाने वाला मेन अहम पुल है, वो उसके पुश्ते जो हैं बड़ा अरसा से जो है टूट फूट का शिकार हैं। इसी तरह जो है जो इसकी नहर की साइडें हैं वो भी जो है अरसा दराज से वो खस्ता हाली का शिकार हैं। पुल भी जो है इस वक्त बिल्कुल नाकस हालत में जो है खड़ा है। जो महकमा इन्हार के जो मुलाजमीन हैं वो अपने ठंडे दफ्तरों में बैठकर सब अच्छा है कि रिपोर्ट करने में मसरूफ़ हैं। जो यहाँ से गुजरने वाले अहले इलाका हैं वो जो है रात के वक्त बिलखसूस जब यहाँ से गुजरते हैं तो उनको यही खौफ रहता है कि वो अपने जो है इस पुल के अंदर ना गिर जाएं। फैमिली के साथ हैं तो वो फैमिली समेत इस पुल में ना गिर जाएं, क्योंकि इस पुल के बैक साइड से जो आती है सड़क वो भी उस पर भी मोड़ है और बिल्कुल जब आगे बंदा गुजरता है उसके साथ भी मोड़ है। इस पुल के ऊपर से गुजरते हुए जो थोड़ी सी गफलत जो है जानी और माली नुकसान का सबब मुतअद्दिद बार बन चुकी है, लेकिन महकमा इन्हार के लोग जो है इस पर जानिब तवज्जो देने से जो है बिल्कुल कासर हैं, खाबे खरगोश के जो मज़े ले रहे हैं। अपना जो आला हुकाम है उनसे ये अपील है कि इस पर फौरी नोटिस लिया जाए, जो है यहाँ के मुलाजमीन को खाबे खरगोश से जगाया जाए और इसके पुश्ते भी बनाए जाएँ, इसके पुल को भी तामीर किया जाए और जो नहर जो है साइडों से टूट चुकी है उसको भी जो है रिपेयर किया जाए। जी विहाड़ी मुखालफीन ने शारे आम पर दीवार बनाकर गली पर कब्जा कर लिया। पुलिस इंसाफ फराहम नहीं कर रही। मुतासरीन का वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज़ से फौरी तौर पर नोटिस लेने का मुतालबा। विहाड़ी के नवाही गांव में भाई भाई का दुश्मन बन गया। स्कूल टीचर मुनीर अहमद ने अपने अहलखाना के हमरा एहतजाज करते हुए कहा कि मेरे बड़े भाई ने मेरी जायदाद पर कब्जा करने की गर्ज़ से मेरे घर की गली बंद कर दी है, जिस वजह से मेरे जानवर भूख प्यास की वजह से मर रहे हैं। मुतासरीन ने एहतजाज करते हुए बताया कि थाना माछीवाल पुलिस ने हमारी FIR तो दर्ज कर ली, लेकिन हमारी गली का रास्ता अभी तक नहीं खुल पाया है। मुतासर स्कूल टीचर ने कहा कि मेरा भाई मेरे अहले खाना और मेरी जान का दुश्मन बन गया है। हम DPO विहाड़ी, RPO मुल्तान, वज़ीर-ए-आला पंजाब से अपील करते हैं कि हमें तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जन्नत नज़ीर ख़त्ते इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में मौसमियाती तब्दीली कैसे रोनुमा हुई, गर्मी की शिदत में इजाफा कैसे हुआ, सर्दी का दौरानिया क्यों कम हुआ। मेट्रो न्यूज़ की टीम ने वजह तलाश कर ली। जानते हैं पाक पतन से यूसुफ रजा की इस रिपोर्ट में। ताने दौर जदीद में तरक्की के साथ साथ अपनी मौत के समान भी खुद ही पैदा करके अपनी जिंदगियों का जीर्ण बना दिया।
चारों मौसमों के हामल जन्य नज़ीर खित्ते पाकिस्तान में जब तक पावर एनर्जी हासिल करने का वाद जरिया पानी था तब तक यहाँ सारे मौसम अपने अपने वक्त पर नमूदार होते रहे, मगर जब शहरों के गिर्द रही रकबे ख़त्म करके हाउसिंग सोसाइटियाँ बना ली, जंगलात ख़त्म कर दिए गए, सड़कों पर बेहंगम ट्रैफिक ने आग की तरह जलते गर्म धुएं छोड़ना शुरू कर दिए, जब बिजली पानी की बजाय कोयले से पैदा होने लगी तो मैंने ज़िंदगी में इतनी शिद्दत वाली गर्मी पहली दफ़ा देखी है, और इसकी बड़ी वजह यह है दरख्त ना होने के बराबर है, और दूसरी वजह यह है कि जो सूरज है, सूरज की गर्मी है वो प्लेटें खींच रही हैं, सोलर प्लेटें, और ज़मीन पर फैला रही हैं गर्मी। जदीद साइंसी तहकीक के मुताबिक एक जवान दरख्त 24 घंटों में ज़मीन से 150 लीटर पानी हासिल करके 100 लीटर फ़िज़ा में छोड़ता है, मगर सिंतास मुहिदे के बाद वतन अजीज़ में डैम्स ना बनाने की वजह से हम दरियाओं के पानी से महरूम हो गए, जिसकी वजह से ज़ेर ज़मीन पानी मज़ीद नीचे चला गया, और जंगलात ख़त्म होने की वजह से सावन भादों के महीनों में बरसने वाली बरखा रुत ख़त्म हो गई। सोलर एनर्जी ने सूरज की सारी गर्मी ज़मीन पर फैला दी, जिससे गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया और सर्दी का दौरानिया कम होकर रह गया, जिससे सारे मौसम इस खित्ते से मुँह मोड़ गए। जंगलात के खात्मे की वजह से बारिशें नहीं हो रही, और ये सोलर प्लेटें सूरज से दर्जा हरारत खींच कर ज़मीन पर फैला रही हैं, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो रहा है। कैमरा टीम के साथ यूसुफ रजा, मेट्रो वन न्यूज़, पाकपतन। फलों के बादशाह आमों के मौसम की मुनासबत से भावलपुर में मैंगो फेस्टिवल का इनाकाद किया गया। मैंगो फेस्टिवल में लजीज और मीठे आमों की मुख्तलिफ दर्जनों इकसाम के स्टॉल से लगाए गए, जो लोगों की दिलचस्पी का बाइस थे। इस मौके पर फेस्टिवल में शरीक अफराद ने मेट्रो वन न्यूज़ से गुफ्तगु करते हुए कहा कि यहाँ पे मैंगोस की डिफरेंट वैरायटीज देखने को मिलती है, जो भी नॉर्मली नहीं मिलती देखने को, एंड वी आर वेरी एंजॉयिंग दिस इवेंट। डायमंड इज वेरी इंफॉर्मेटिव। डीएचए में जो मैंगो फेस्टिवल हो रहा है, ये बड़ा आउट क्लास है और एक बहुत बड़ी एक अच्छी काविश है डीएचए वालों की, और जो यहाँ पे मैंगो मिल रहा है हमारे पास मार्केट में डेफिनेटली इस तरह का अवेलेबल नहीं है। एक आउट क्लास किस्म का मैंगो है, फैमिलीज आ रही हैं, लोग इंजॉय कर रहे हैं, और एक बहुत आउट क्लास इवेंट ऑर्गेनाइज किया डीएचए ने, तो अप्रिशिएट किया जाना चाहिए इस पे डीएचए की इस काविश को। यहाँ पे हम लोग मैंगो फेस्टिवल 2024 में आए हुए हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग फेस्टिवल है। यहाँ पे मुझे देखने के लिए हम सबको बहुत ज्यादा डिफरेंट क्वालिटीज के मैंगोज हमें देखने को मिले हैं, जहाँ पे हम लोग बहुत ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। मेरी फ्रेंड्स, हमारे जो स्टाफ मेंबर्स हैं, हमारी टीचर्स हैं, हमें बहुत ज्यादा इंजॉय करवा रहे हैं, और हमारे GCTW के जो प्रिंसिपल मैम सुमेरा सवालिया हैं, वो हमें बहुत ज्यादा इंजॉय करवा रही हैं। इस वक्त हम लोग सुबह से यहाँ पे आए हुए हैं, और बहुत ज्यादा डिफरेंट क्वालिटीज के हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मैंगोज मिल रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं, जो घर पे मैंगोज आते हैं उनसे ज्यादा और उनसे बहुत ही टोटली डिफरेंट हम लोग यहाँ पे मैंगोज देख रहे हैं, जो कि आज हमें देखने को बहुत अच्छे लग रहे हैं, और बहुत ही अमेजिंग फंक्शन है। थैंक यू सो मच। मिंचन आबाद में भी भावलपुर अवामी हुकूक के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली बराए बहाली सुबह भावलपुर निकाली गई है। रैली में शहरियों की कसीर तादाद मौजूद थी। जनूबी पंजाब की तहसील मिंचन आबाद में भी भावलपुर सूबा बनाओ तहरीक जोर पकड़ गई है। भावलपुर अवामी हुकूक के ज़ेर एहतमाम एहतजाजी रैली में अंजुमन ताजरान, अंजुमन शहरियान सहाफ़ी बरदरी और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद शामिल थे। सदर अवामी हुकूक और अहदेदारान ने भी अपनी अपनी तकरीर में भावलपुर को सूबा बनाने का मुतालबा करते हुए हुकूमत वक्त से मुतालबा किया कि जल्द अज जल्द भावलपुर को सूबे का दर्जा दिया जाए, बसूरत दीगर एहतजाज का दायरेकार वसी किया जाएगा। रैली शाही जाम मस्जिद चौक से होकर मदनी चौक पर इख्तिताम पज़ीर हुई। पाकपतन के नवाही इलाके चक्रामपुरा में डाकू डकैती के दौरान अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक हो गया। पाकपतन के नवाही इलाके में डाकुओं का ग्रोह चक्रामपुरा में डकैती की नियत से दाखिल हुआ। इलाका मकीनों की मजामत पर डाकुओं ने फायरिंग शुरू कर दी। साथी डाकू की गोली लगने से एक डाकू मौके पर ही हलाक हो गया, जबकि पुलिस ने मौके पर पहुँच कर तहकीकात का आगाज कर दिया। बाकी डाकू फरार होने में कामयाब हो गए।
महंगाई के शक्के में फंसे आवाम के लिए एक और बुरी खबर। पंजाब हुकूमत ने ई स्टैम्प पेपर्स की फीसों में भी इजाफा कर दिया है। शहरी कहते हैं हालिया इस ई स्टैम्प पेपर की कीमत में इजाफा आवाम के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। खानेवाल से रिपोर्ट करेंगे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर सुहेल शहजाद। बजट मंजूरी के बाद पंजाब हुकूमत ने ई स्टाम्प पेपर्स की कीमतों में भी इजाफा कर दिया। शहरियों ने इजाफे को मुस्तरद करते हुए फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा कर दिया। नए शेड्यूल के मुताबिक 100 रुपए वाला ई स्टाम्प पेपर की फीस बढ़ाकर 300 रुपए, जबकि प्रॉपर्टी सेल्स एग्रीमेंट ई स्टाम्प पेपर की फीस 1200 से बढ़ाकर 3000 रुपए कर दी गई। मुआहदे के लिए इस्तेमाल होने वाला ई स्टाम्प पेपर की फीस 100 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए कर दी गई। 1.5 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के लिए स्टाम्प पेपर की फीस में 20,000 रुपए इजाफा, जबकि तलाक के लिए स्टाम्प पेपर की फीस 100 रुपए से बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी गई। गवर्नमेंट की शर्म कर रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट में 1200 रुपए की है, जो मूवेबल प्रॉपर्टी का है जायदाद के मुतलक है वो 3000 रुपए का स्टाम्प लगता है। एफिडेविट जो है 300 रुपए का हो गया। जो अदलिया के लिए जो कोर्ट फीस मुकर्रर की है वो उन्होंने 2 रुपए की कोर्ट फीस से डायरेक्ट 500 रुपए मुकर्रर कर दी है। और इस तरह तलाक नामे का स्टाम्प जो है बैंक ऑफ पंजाब से मिलता है वो 1000 रुपए का है। पावर ऑफ अटॉर्नी के लिए स्टाम्प पेपर की फीस 1500 से बढ़ाकर 1800 रुपए कर दी गई। बढ़ती हुई महंगाई ने पहले ही शहरियों को ज़हनी अज़ियत में मुब्तला कर रखा है। ऐसे में ई स्टाम्प पेपर की कीमतों में इजाफा शहरियों के जख्मों पर नमक छिड़कने के मुतरादिफ है। पतोकी मुल्तान रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी 22 व्हीलर ट्रॉलर से टकरा गई। हादसे के नतीजे में मजदूर ड्राइवर शदीद जख्मी हो गया। रेस्क्यू टीम ने जख्मी ड्राइवर को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रेस्क्यू 1122 की टीम ने मजदा गाड़ी से 8,30,000 रुपये नकदी रकम तहवील में लेकर मुतासर ड्राइवर के वर्सा के हवाले करके दयानतदारी की एक मिसाल कायम कर दी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज़ रफ्तारी के बायस पेश आया। मजदा ड्राइवर को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शिफ्ट किया जा रहा था। मुतासर ड्राइवर ने बताया कि गाड़ी में नकदी रकम मौजूद है, जिस पर रेस्क्यू 1122 की टीम ने फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए गाड़ी से 8,30,000 रुपये अपनी तहवील में लेकर बाद अज़ा मुतासरा ड्राइवर के वर्सा के हवाले कर दिए। वर्सा ने रेस्क्यू 1122 टीम की दयानतदारी पर उनका शुक्रिया अदा किया। ज़िला रहीम यार खान में मिलावट माफिया के ख़िलाफ़ पंजाब फूड अथॉरिटी ने भरपूर कार्रवाइयाँ जारी रखी हुई हैं। फूड सेफ्टी की 6 मिल्क शॉप्स की इंस्पेक्शन गैर मयारी दूध तल्फ कर दिया। हज़ारों रुपये जुर्माने आयद कर दिए गए। पंजाब फूड अथॉरिटी की फूड सेफ्टी टीम ने दौरान इंस्पेक्शन 2,200 लीटर गैर मयारी दूध तल्फ करके दुकान के मालिकान को 98,000 रुपये के जुर्माने आयद किए। पंजाब फूड अथॉरिटी का कहना है कि टेस्ट के दौरान दूध कुदरती गजाइत की कमी और पानी की मिलावट पाई गई है। मुजर सेहत मिलावटी दूध का इस्तेमाल बच्चों के नशोनुमा में कमी का बायस बनता है। डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल जेल खानाजाद फैसलाबाद और राणा रजाउल्ला खान का डिस्ट्रिक्ट जेल मंडी भाउद्दीन का तफसीली दौरा। DIG ने सालाना इंस्पेक्शन करके अंदरूनी जेल तमाम बैरिक और दीगर अहताजात का तफसीली दौरा किया और असीरान से फर्दन ब फर्दन मसाइल दरियाफ्त किए। जेल इंतजामिया की बेहतरीन कारकर्दगी पर उन्हें इनामात भी तकसीम किए गए। DIG को जेल अस्पताल में असीरान को फराहम की जाने वाली दस्तियाब सहूलियात और दीगर उमूर से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी गई। जेल अस्पताल का मुआयना करते हुए उन्होंने हिदायत की कि असीरान के इलाज मुआलजे में कोई भी कसर न छोड़ी जाए। उन्होंने असीरान को बावर कराया कि नफरत जुर्म से है, इंसान से नहीं है। कोई भी इंसान पैदाइशी तौर पर मुजरिम नहीं होता और कैदी इस बात का अहद करें कि वो यहाँ से अच्छे इंसान बनकर अपने ख़ानदान और मुल्क कौम के लिए खिदमत सर अंजाम देंगे। जेल असीरान ने सुपरिटेंडेंट जेल, डेप्टी सुपरिटेंडेंट जेल समेत तमाम दीगर अफसरान और मातहत अमले के रवैये की तारीफ़ की। DIG ने जेल में कैदियों को मुहैया की जाने वाली सहूलियात और दीगर इंतजाम को सराहते हुए गहरे इत्मीनान का इजहार किया।
अहमदपुर सियाल में खूनी तसादम का ख़तरा टल गया है। एक दूसरे के खून की प्यासी दो बरादरियों के देरीना रंजिश ख़त्म करा के उन्हें बगल गिर करवा दिया गया। मोजा कुंडल खोकरा की वाहगा और सुप्रा बरादरी के माबहन चार साल से बवजह मुकदमात बाजी रंजिश चली आ रही थी, नौबत फायरिंग तक जा पहुंची थी। मकामी व सियासी और समाजी शख्सियात नजम मेहदी सियाल, अंसर मेहदी खान सियाल, हैदर खान सियाल और नंबरदार चौधरी मोहम्मद अख्तर की कोशिश से दोनों फरीकैन में सुलह हो गई है। हज़रत नौरंग शाह जहानिया रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर दोनों फरीकैन के दरमियान सुलह करवाई गई। जफर अली शाह ने हलफ लिया। मौजूदा इलाका की मौजूदगी में बागा बरादरी ने हलफन एक दूसरे को माफ़ करके आइंदा एक दूसरे के लिए नए ख्वाहिशात के साथ ज़िंदगी गुजारने का अहद और अज़म की और बगलगीर हुए। मखदूम ज़्यादा सैयद जफर अली शाह ने अल्लाह ताला की बारगाह में दोनों ख़ानदानों में खैर बरकत के लिए खसूसी दुआ भी की। डीपीओ गुजरात मुस्तंसर अता बाजवा की हिदायत पर डीएसपी सराय आलमगीर राय मुनीर अहमद ने अवामी मसाइल के फौरी हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया। डीएसपी राय मुनीर अहमद ने एसएचओ थाना सदर सराय आलमगीर के हमरा नमाज जुमा के बाद जामे मस्जिद गौसिया पुरान में खुली कचहरी के मौके पर शहरियों के मसाइल सुने और मौके पर ही शहरियों की फौरी दादरसी को यकीनी बनाया। डीएसपी सराय आलमगीर सर्कल ने तमाम साइलिन को यकीन दिलाया कि डीआईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन के मुताबिक आपके मसाइल को मेरिट पर हल किया जाएगा और इंसाफ की बर वक्त फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। जहलम डोमेली मोड़ के करीब 12 जून को एंटी नारकोटिक्स फोर्स के तीन अहलकारों को शहीद करने वाले दो मुलजमान मुबैना पुलिस मुकाबले में मारे गए। पुलिस के मुताबिक ज़ेर हिरासत मुलजमान को असलहा बरामदगी के लिए लेकर जाया जा रहा था। साथियों ने छुड़वाने के लिए पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी। फायरिंग के तबादले में मुलजमान हलाक हो गए जबकि हमलावर अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फरार होने में कामयाब हो गए। फायरिंग का वाकया थाना दीना के इलाके मतियाल के नज़दीक पेश आया। मरने वालों में गुजरात के रिहायशी बिलाल हैदर और कासिम अलीशा शामिल हैं। पुलिस ने लाशों को तहवील में लेकर सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया। सूबाई वज़ीर ज़राअत और लाइव स्टॉक सैयद आशिक हुसैन किरमानी ने बुफेलो रिसर्च इंस्टीट्यूट पत्तोकी का दौरा किया। सूबाई वज़ीर ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि लाइव स्टॉक का शोबा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है जिसकी तरक्की के लिए अमली तौर पर इकदामात उठाए जा रहे हैं। पंजाब हुकूमत का फोकस 1 से 12.5 एकड़ तक का छोटा फार्मर है। ज़राअत और लाइव स्टॉक के शोबों में मुतअद्दिद स्कीम्स शुरू की जा रही हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के विजन के मुताबिक लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट दूध और गोश्त की पैदावार बढ़ाने और मवेशियों के बॉडी फिटनिंग प्रोग्राम्स पर भरपूर तवज्जो दे रहा है। पंजाब में पहली दफ़ा छोटे फार्मर्स के लिए वज़ीर आला पंजाब लाइव स्टॉक कार्ड की एक स्कीम मुतारिफ करवाई गई है। स्कीम से 80,000 फार्मर्स 2 साल के लिए मुस्तफीद होंगे। खबरें और भी हैं, वक्त हो गया है ब्रेक का। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको बताएं कि महकमा तालीम ज़िला विहाड़ी के 95 असातज़ा और 7 जूनियर क्लर्क्स को अगले ओहदे पर तरक्की दे दी गई है। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह और मेंबर कौमी असम्बली सैयद साजिद मेहदी ने मुलाजमीन में तरक्की के ऑर्डर्स तकसीम किए। डिप्टी कमिश्नर विहाड़ी सैयद आसिफ हुसैन शाह ने कहा कि बरवक्त तरक्की किसी भी मुलाजिम का बुनियादी हक है और तरक्की से मुलाजमीन की हौसला अफजाई होती है। मुलाजमीन पहले से ज़्यादा दिलचस्पी लगन और मेहनत से काम करते हैं। महकमा तालीम के असातज़ा और क्लर्क्स को तरक्की कवायद और ज़वाबित और मेरिट पर दे दी गई है। CEO एजुकेशन चौधरी मोहम्मद सईद, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स और उनकी टीम की काविश काबिल तहसीन है। मेंबर कौमी असम्बली सैयद साजिद मेहदी ने तरक्की पाने वाले मुलाजमीन को मजीद मेहनत और दिलजमई से काम करने की तलकीन की। जूनियर क्लर्क से सीनियर क्लर्क के अहदे पर तरक्की पाने वालों में मोहम्मद रफ़ीक, मोहम्मद अशरफ जावेद, मोहम्मद मंजूर, अशफाक अहमद, मोहम्मद जफर शौकत, मोहम्मद जावेद इकबाल और मोहम्मद अमीन शामिल हैं।
गुजरावाला में भी सुबह सवेरे बादल जमकर बरसे और बारिश के बाद नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। मज़ीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे जावेद महमूद से। गुजमला डीसी रोड पर मौजूद हूँ। बात करें तो मानसून के बारिशों के हवाले से मानसून का जो छोटा असर मिल था आज सुबह सवेरे भी काली कटा छाई, ठंडी हवा चली और मौसादार बारिश हुई। देखते ही देखते शहर नदी नालों का मंजर पेश करने लगा। बात करें तो इंतजामिया के हवाले से इंतजामिया के दावे दम तक महदूद है। जैसा कि पंजाब हुकूमत ने अब पानी की निकासी के लिए स्ट्रिक आर्डर किए थे मगर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं रहा। एमडी वासा का पोल खुल गया। इस वक्त मैं डीसी रोड पर मौजूद हूँ। इस वक्त 2-2.5 फुट पानी खड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 4 घंटे हो गए बारिश हुई को अभी तक पानी की निकासी नहीं की जा सकी। जी कैरोड़ पका से आपको खबर दे रहे हैं जहां सरकारी नहरी पानी और ज़मीन काश के तनाज़े पर 2 ग्रुपों में झगड़ा हुआ। सगे भतीजों ने चचा और चची को तशद्दुद का निशाना बनाया। मज़ीद देखते हैं कैरोड़ पका से अपने नुमाइंदे हसनैन खान रिंद की रिपोर्ट। थाना सिटी कैरोड़ पका की हदूद बस्ती पांदी वाला मौजा बहावलगढ़ में देवर की जमीन काश्त करना सुरैया कौशर के लिए जिंदगी और मौत का मसला बन गया। सगे भतीजे नबील और हरून ने अपने साथी मुबशिर वसीम और दीगर नामालूम अफराद के हमरा असलाह के जोर पर अपने चचा और चची पर जुल्म की इंतहा कर दी। एक हफ्ता गुजर जाने के बावजूद पुलिस खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ दिखाई देने लगी है। मुतासरा सुरैया कौशर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुल्जमान नबील और हारून अपने वालिद के नाफरमान बेटे हैं और इनके वालिद ने इन्हें जायदाद से भी बेदखल कर दिया है। इनके वालिद ने हमें अराजी ठेके पर दी हुई है जबकि मुल्जमान हमें ज़मीन काश्त करने नहीं दे रहे। इस रंजिश की बिना पर मुल्जमान ने हम पर धावा बोला है, गोलियाँ भी चलाई हैं और जबड़ा भी तोड़ दिया है और पुलिस महज तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ दिखाई दे रही है। कानून के नफाज के जिम्मेदारान इस मसला पर कब कार्रवाई करेंगे? सुरैया कौशर और उसके शोहर ने जिलाई पुलिस कमांडर डीपीओ लोधरा कामरान मुमताज से जल्द इन मुजमान के खिलाफ कार्रवाई करके इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम अब्बास खान के साथ हसनैन खारिंद, मेट्रो वन न्यूज कैरोड़ पका। हारूनाबाद के नवाही इलाका फकीर वाली में मुबैना तौर पर जहरीला दूध पीने से 2 बच्चे जाबाक हो गए। बच्चों को तश्वीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया मगर वो जाँ भर ना हो सके। थाना फकीर वाली के हदूद महला अहमदनगर में मुबैना तौर पर 2 बच्चे जहरीला दूध पीने से जाबाक हो गए। जाबाक बहन भाई में 2.5 साल मूसा और 8 माह की जैनब शामिल है। बच्चों को तश्वीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया जहाँ पर 8 माह की बच्ची जैनब मौके पर ही जाबाक हो गई और 2.5 साल मूसा को लाहौर रेफर कर दिया गया जो कि रास्ते में ही दम तोड़ गया। खानेवाल में डाकू सरेआम दंदनाते फिरने लगे हैं। 2 मुसल्ला डाकू गन पॉइंट पर शहरी अहमद से नकदी और बाइक छीनकर फरार होने में कामयाब हो गए। खानेवाल शहर में डाकू राज बरकरार है। डाकुओं ने मुख्तलिफ वारदातों में शहरियों को नकदी और मोटरसाइकिलों से महरूम कर दिया है। डकैती मजामत पर डाकुओं ने मोटरसाइकिल सवार शहरी पर फायरिंग भी कर दी। डकैती मजामत और वारदात की फुटेज मेट्रोवन न्यूज़ ने हासिल कर ली। सीसीटीवी फुटेज में डाकुओं को वाज़ेह तौर पर डकैती करते हुए देखा जा सकता है। जतोई के नवाही इलाके में 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम के नतीजे में बच्चे समेत 9 अफराद जख्मी हो गए। जतोई के नवाही इलाके में 2 ग्रुपों में ज़मीन के तनाज़े पर तसादुम हुआ जिसके नतीजे में 2 ग्रुपों के 9 अफराद जख्मी हो गए। 2 ग्रुपों में डंडों सोटो और बेदरेग औजारों का इस्तेमाल हुआ। जतोई पुलिस ने जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जतोई मुंतकिल करके कार्रवाई शुरू कर दी। तो दूसरी जानब सादिकाबाद में अताई डॉक्टर्स इंसानी जानों से खेलने लगे हैं। खातून को गलत इंजेक्शन लगने से उसकी हालत गैर हो गई। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज़ ने वाकये का नोटिस ले लिया और डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज़ के नोटिस के बाद मुतासर खातून को इलाज के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। मज़ीद अहवाल जानते हैं राना महबूब की इस रिपोर्ट में।
शादी के बाद रिटायर्ड डॉक्टर का गलत ट्रिप लगाने से खातून का बाजी मुतासर का मामला डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज़ का वाकये का नोटिस। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज़ के नोटिस के बाद मुतासर खातून को इलाज के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू 1122 ने मुतासर लड़की को तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शिफ्ट कर दिया। डिप्टी कमिश्नर खुर्रम परवेज़ की हिदायत पर लड़की का सरकारी खर्च पर बेहतरीन इलाज किया गया। अताई डॉक्टरों का क्लिनिक सील करके महकमाना कार्रवाई भी शुरू कर दी गई। मुतासर खातून की बाजू की प्लास्टिक सर्जरी करवाने के मुकम्मल इंतजाम कर लिए गए। अताई डॉक्टर ने शहर कराची मफरूर है, इसकी गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जैसा कि ये केस हाईलाइट हुआ, ये भी एक क्वैक की जो नाहली आप कह लें उसकी वजह से खातून का जो बाजू है उस पर इस तरह जख्म आए और इतनी बुरी हालत में पहुँची। अल्हम्दुलिल्लाह हाईलाइट होने के बाद फौरी तौर पर डिप्टी कमिश्नर ने भी इसका नोटिस लिया और हमने उस मरीज़ को फौरन टीएच को हॉस्पिटल सादकाबाद में इब्तदाई जो ट्रीटमेंट है उसके हवाले से उसको एडमिट कर लिया। उसकी तमाम जो ट्रीटमेंट के हवाले से जितने भी एक्सपेंडिचर होंगे वो टीएच को हॉस्पिटल बर्दाश्त करेगा। और मुतासर लड़की ने बेहतरीन इलाज मुआलजा पर डिप्टी कमिश्नर सादकाबाद का शुक्रिया अदा किया। कैमरामैन टीम के साथ राना महबूब अहमद, मेट्रो वन न्यूज़ सादकाबाद। शहनामे से फ़िलहाल इतना ही।